हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप सब अच्छे से होंगे और सब अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। ये जो वीडियो है ये मेरा IBPS PO इंटरव्यू का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मेरे को IBPS PO इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, पैनल में क्या हुआ, अंदर जाके क्या था। फिर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसके बाद ये सब क्वेश्चंस का सेशन होने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या डूज एंड डोंट्स है। मैं चार पांच डूज बताऊंगा, चार पांच डोंट्स बताऊंगा, उनको आप केयरफुली सुन लो और उनको आप फॉलो कर लो। तो उससे क्या होगा ना, द लेस इवन इफ यू आंसर लेस क्वेश्चंस इन एन इंटरव्यू, यू विल बी वन स्टेप अबव अदर्स हु बिहेव्ड वर्स देन यू। ठीक है, ऐसा होता है, मतलब आप अगर कम क्वेश्चंस भी आंसर कर रहे हो तो फिर भी आप जो लोग आपसे बेटर भी कर रहे हैं ना, लेकिन आपका अगर कॉन्डक्ट अच्छा है इंटरव्यू में तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आपको बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट देते हैं। ठीक, तो शुरू करने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि क्या हुआ इंटरव्यू में, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था। तो इंटरव्यू जब हुआ हमारा, वो हमारा पंजाब नेशनल बैंक के एक सेंटर में हुआ था, गुवाहाटी में। वहां पे हम सब लोग गए, मेरे बहुत सारे दोस्त भी थे जिनको मैं पहले से जानता हूँ, सब उधर गए, सब ने रिपोर्ट किया। फिर अराउंड 9:30-10 बजे रिपोर्ट किया, फिर 3-4 घंटे बाद मेरा टर्न आया था। ठीक है, तो वहां पे टर्न आते टाइम पे मैं फिर अंदर पे गया, फिर मैं उधर बैठा, फिर क्वेश्चंस का राउंड शुरू हुआ। पहले तो साहब आपको आपका नाम पूछेंगे, तो फिर आप उसी तरह से अपने आपको इंट्रोड्यूस करो। देखो, कोई कोई लोग आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कोई कोई आपको पूछेगा व्हाट इज योर नेम। तो आप ये मत करो कि आपको अगर पूछा कि व्हाट इज योर नेम, फिर नेम के साथ आपने ये बता दिया कि कहां से डिग्री कर है, ऐसा नहीं है। नाम पूछा है तो नाम बताओ, इंट्रोड्यूस करने पूछा है तो आप अपने बारे में बताओ और भी आप एक्स्ट्रा डिटेल्स बताओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही हमारा इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे, वो जो पैनल का चेयरमैन है उसने मेरे से स्टार्ट किया। तो सबसे पहले उसने मुझे पूछा कि डिफाइन बैंकिंग, तो मैंने उसका डेफिनेशन बोला, कौन से एक्ट में कौन सा सेक्शन है, सब कुछ बोला। उसके बाद उसने पूछा कि मुझे कि बैंक्स प्रॉफिट कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ डू बैंक्स अर्न प्रॉफिट। फिर डिफाइन एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में पूछा, बैड बैंक्स के बारे में पूछा, क्योंकि उस टाइम पे बजट में बैड बैंक्स आया था, मतलब उसके पहले साल आया था, लेकिन बैड बैंक्स के बारे में पूछा। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चन थे। मेरे को सारे क्वेश्चन अभी याद नहीं है क्योंकि अभी लगभग 1 साल हो चुका है इंटरव्यू का, तो जो जो याद है मैं आपको वही बोल रहा हूँ। तो और एक चीज उसने मुझे पूछा था कि जो RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो मुझे पूछा उसने, उसके अंदर मुझे रीजनिंग पूछा कि RBI मॉनेटरी पॉलिसी डिजाइन क्यों किया उसने, वो क्यों RBI रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट को चेंज करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे पता थी, तो मैंने उस तरह से आंसर किया। फिर चेयरमैन का टर्न खत्म हुआ तो एक लेडी वहां पे साइड में बैठी थी, फिर उन्होंने मुझे MSME का डेफिनेशन पूछा। वो लेडी बहुत ज्यादा स्वीट थी, तो उन्होंने मुझे सिर्फ उतना एक ही क्वेश्चन पूछा, शी वांटेड टू चेक दैट मच, तो उसका आंसर मैंने दिया, MSME का जो डेफिनेशन है। फिर आता है कि वहां पे इंटरव्यू पैनल में एक बंदा रहेगा जो आपको पूछेगा आपके ग्रेजुएशन या फिर आपके फील्ड ऑफ स्टडी को लेके। ठीक है, तो वहां पे भी ऐसा था, तो एक बंदा था जिसने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को लेके एक सवाल पूछा। उसने ये पूछा कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है ये मुझे बताओ, तो एनकोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हो, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन बोल सकते हो, ये सवाल मेरे को पूछा गया, तो मैंने वैसे ही आंसर किया। IBPS PO में ना SBI PO से जो इंटरव्यू का जो लेवल था वो मेरे लिए कंपेरेटिवली इजी था मेरे लिए, क्योंकि SBI PO में बहुत ज्यादा वो लोग बहुत ज्यादा ग्राइंड करते हैं। ठीक है, बहुत चीजें पूछते हैं, लेकिन IBPS PO में फिट भी ठीक था, तो ऐसा था। फिर उसके बाद और एक सर थे, उन्होंने मुझे कुछ HR रिलेटेड पूछा, और एक बंदा वहां पे था जो मुझे साइड से सिर्फ बस ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि एक बंदा रहेगा जो आपको सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, उसका और कुछ काम ही नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, वो क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। आप नर्वस कितना हो रहे हो, आप कितना स्माइलिंग फेस है, आप कितना कॉन्फिडेंट हो इंटरव्यू में, ये सब चीजें वो ऑब्जर्व करता है। तो ऐसे हुआ, तो ऐसे चलने के बाद अराउंड 10-15 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला, तो उसके बाद हो गया। तो फिर मैं उसके बाद इंटरव्यू पैनल से बाहर आया, बस मेरा इंटरव्यू इतना ही था, इंटरव्यू खत्म हो गया। आपका इंटरव्यू मैक्सिमम 10 से 15 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू क्रॉस नहीं करता है,
अगर 15 मिनट से ज्यादा इंटरव्यू क्रॉस कर रहा है तो वो आपकी वजह से ही करेगा। अगर यू आर एक्सप्लेनिंग टू मच, आप ज्यादा ही घुमा फिरा के आंसर्स दे रहे हो, ज्यादा ही डिटेलिंग में जा रहे हो, तो वो ऐसे हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता है वैसा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू हॉल में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं हम कि हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या क्या करना चाहिए वो तो सबको ही जनरली पता होता है, लेकिन क्या क्या नहीं करना चाहिए वो उससे मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर क्या क्या करना चाहिए मैं आपको वो बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वॉट आर द डोंट्स इन एन इंटरव्यू। पहला चीज ये है कि एक तो आपको जब आप इंटरव्यू हॉल से निकलोगे ना, आपको एक चीज ध्यान रखना है। देखो, इंटरव्यू में आप बहुत ज्यादा नर्वस हो जाओगे, फुल ड्रेन्ड आउट हो जाओगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप जो डोर है ना उसको आप ज्यादा जोर से बैंग मत करो। मेरे साथ ये हुआ था, ठीक है, मेरे को लगता है उसी वजह से मेरे कुछ नंबर डिडक्ट हो गए। मेरे साथ क्या हुआ, मैं जब इंटरव्यू हॉल से निकल रहा था तो मैंने क्या किया, डोर को ऐसे करके ऐसे छोड़ दिया, तो वो जोर से बैंग हुआ, तो वो बहुत खराब इंप्रेशन होता है। ठीक है, वो इंटरव्यू पॉइंट आपको ये नहीं करना है कि आपको उनसे वो लोग जब आपको क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करेंगे तो आपका उनका क्वेश्चन हाफ सुन के आपको आंसर नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत लोग गलती करते हैं कि आप क्वेश्चन सुने भी नहीं, या फिर आपको क्वेश्चन सुन लिया आपने हाफ, आपको उतना पता है तो आप फ्लो में आप आंसर अपना स्टार्ट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन सुनने से के बाद आपको आप 30 सेकंड्स का लगने से आप एक पॉज ले लो छोटा सा, उसके बाद आप आंसर करो। ठीक है, बीच में काटने से ना वो इंटरव्यूअर्स पे बहुत ज्यादा खराब इंप्रेशन होता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा चीज आपको ये नहीं करना है कि आपको अपने हैंड्स और लेग्स शेक नहीं करने है। लेग्स का आप खुद कंट्रोल करो। हैंड्स के लिए मैं आपको एक टिप दे सकता हूँ कि आपका जो फाइल होगा ना यार, आप जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, क्योंकि जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन वेरिफिकेशन भी होता है, तो आप अगर वो अलाउ कर रहे हो तो आप उस फाइल को अपने साथ लेके रखो, एंड व्हेन यू सिट डाउन यू जस्ट कीप द फाइल इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके हाथ ढके रहेंगे, आप उस तरह से आप समझ लेना, तो उससे आपके हाथ ढके रहेंगे और आपके हाथ शेक नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपको नहीं करना है वो ये है कि आपको उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना है। ठीक है, आपको सपोज उनका कोई विजन है वो आपको पसंद नहीं, देखो आपका कोई विजन है उनको पसंद नहीं आ रहा है, तो वो आप पे थोड़ा सा हार्श हो सकते हैं, लेकिन आपको रिटेलिएट नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। आपको पोलाइटली बात करना है, आपको अपना टेम्परमेंट कूल रखना है, और वैसे ही आपको जवाब देके वैसे ही चले जाना है, वैसे आपको पोलाइटली इंटरव्यू को खत्म करना है। ये हो गया हमारा कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। पहला चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू में, वो है स्माइलिंग फेस। आपको इंटरव्यू में हमेशा एक स्माइलिंग फेस लेके रखना है। स्माइलिंग फेस के साथ जाओगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, इंटरव्यू स्मूथली रन करेगा। सेकेंड चीज होता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आई कॉन्टेक्ट। ठीक है, आपको बहुत अच्छा, हमेशा आपको जो भी, देखो पांच छह पैनल मेंबर्स है, कोई भी आपसे सवाल पूछ रहा है, आप उस बंदे या उस लेडी से आप उनसे आप आई कॉन्टेक्ट से बात करो। ठीक है, जो भी आपको पूछ रहा है, यू लुक एट देम एंड यू आंसर बाय लुकिंग एट देयर आईज। ठीक है, उससे एक बहुत अच्छा और बहुत कॉन्फिडेंट आप दिखोगे इंटरव्यू में। ठीक है, ये हो गया। तीसरा हो गया, आपको सबको इंडिविजुअली ग्रीट करना है। ठीक है, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि आप सिर्फ जाके चेयरमैन को ग्रीट कर दो पैनल का, ऐसा नहीं है, आपको सबको इंडिविजुअली ग्रीट करना है अगर आपको टाइम मिलता है। अगर ऐसा है, अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो लोग आपको रोक देंगे, बट यू शुड ग्रीट एवरीवन इंडिविजुअली। ये है, ठीक है। थर्ड, फोर्थ पॉइंट है कि आपको आपको जितने आपको जो जो सवाल पूछे जाते हैं ना, सपोज आपको कोई सवाल पूछ रहा है जिसके बारे में आपको जरूरत से ज्यादा पता है, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां पे जाके आप बोल ही रहे, ऐसा नहीं है। आपको प्रिसाइज आंसर्स बोलने हैं इंटरव्यू में, शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड करेक्ट आंसर्स बोलने हैं। कीप इट शॉर्ट, कीप इट सिंपल, उस तरह से इंटरव्यूअर का भी आपके आपका जो इंप्रेशन है वो ज्यादा अच्छा रहता है, आपका इंटरव्यू उससे और अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये थे मेरे चार डूज एंड चार डोंट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए इंटरव्यू में जाने से पहले। आप इनको देख लो, समझ लो, और वैसे इंटरव्यू में जाओ, वैसे आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। और इसी तरह से मैंने भी अपना इंटरव्यू में मैंने भी 80 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे। ठीक है, तो आई होप कि सबका इंटरव्यू अच्छे से हो, एंड आई होप आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीवन कि सब इंटरव्यू को अच्छे से दे और IBPS PO का एग्जाम आप क्लियर कर ले। ठीक है, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, यूट्यूब जी हमारा चैनल को और प्रमोट करेंगे और उससे मेरा रीच और बढ़ेगा, एंड मैं अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकता हूँ। तो चलिए, थैंक यू।